अगली खबर की ओर। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूटा है, तो बीजेपी ने महबूबा सरकार से समर्थन जो है वापस ले लिया है और समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भी जो है राज्यपाल को यहां पर भेज दिया है। दरअसल कई दिनों से जिस तरह की खींचतान और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अहम फैसला यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के जरिए। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार थी, अब टूट चुका है यहां पर। मित्रों, मेरे साथ जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी है और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है और जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, राज्य सरकार के बीजेपी के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ हैं। आज एक विशेष बैठक के निमित्त सबको दिल्ली बुलाया गया। जम्मू कश्मीर परिस्थिति पर विशेष चर्चा हुई। हमने तीन साल पहले जो सरकार बनाई थी बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी, उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। और इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उसके संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर हमारी चर्चाएं हुई है, उसका आकलन करने का विस्तृत प्रयास हुआ। गृह मंत्रालय से, एजेंसी से, सबसे आवश्यक इनपुट्स लेने के बाद प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई, इन सब की परामर्श होने के बाद आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। इट हैज बिकम untenable फॉर बीजेपी टू कंटिन्यू इन द अलायंस गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। इस निर्णय का जो कारण है मैं 2 मिनट में बताऊंगा, पर इस निर्णय के संदर्भ में अंतिम आपके सामने निर्णय की जानकारी देने से पहले, हमने राज्य सरकार में हमारे जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री है, उनसे भी चर्चा की है और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से भी चर्चा की है। सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी। हम 3 साल पहले सरकार बनाए थे, उस समय जनता का जो जनादेश था वह विखंडित था। इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यू ऑल नो। 2014 एंड में जो मैंडेट आया था उसमें जम्मू का क्षेत्र पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दिया था, वही कश्मीर घाटी में मेजॉरिटी सीट पीडीपी को मिले थे। इस जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने एक साझा सरकार चलाने का निर्णय लिया था। उसके लिए 4 महीने की कसरत हुई, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, एजेंडा ऑफ एलियंस बनाई थी। उस एजेंडा के एलियंस के तहत हम सरकार चलाने के लिए पीडीपी के साथ मिलकर प्रयास शुरू किया था। पिछले 3 साल से ज्यादा के समय में भाजपा अपनी तरफ से सरकार अच्छी तरह चले और सरकार के जो 2 मुख्य लक्ष्य थे, एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, रेस्टोरिंग पीस इन कश्मीर, एस्पेशली इन द कश्मीर वैली, एंड एनकरेजिंग फास्ट डेवलपमेंट इन ऑल द 3 रीजन्स ऑफ द स्टेट, दैट इंक्लूड जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर वैली।
These twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में. आपने देखा जिस प्रकार एक मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुखारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है. यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है. आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यह भी खतरे में आ गया है. जहां तक केंद्र सरकार का रोल का प्रश्न है, हम भारत सरकार को तो पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में प्रोएक्टिवली राज्य सरकार को मदद करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा तत्पर रही. सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स राज्य में अमल किए गए हैं, और विशेषकर 80,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट पैकेज भी राज्य को दिया गया. उसमें एक सब्सटैंशियल राशि ऑलरेडी राज्य को मिल चुकी है, डिसबर्स भी हो गई है, और अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार अपना मदद देती ही रही है. एक्चुअली 15 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर 2 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फिर उद्घाटन करके आए थे. तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक विषय था जम्मू कश्मीर के लिए वो करती रही. राज्य की सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए भी राज्य सरकार को पूरी मदद केंद्र सरकार की ओर से, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों से मिलते रहे. गृह मंत्री समय समय पर वैली में दौरा करते रहे, और आपको मालूम है अभी हाल में एक इंटरलॉक्यूटर को भी नियुक्त करके जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर वैली के जो विभिन्न सेक्शंस है, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का भी एक सिंसियर एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, होम मिनिस्ट्री ने किया, और सीमा पर जो भी पाकिस्तान की गतिविधि होती है उसको विफल करने का भी पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री, हमारा मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार करते रहे. जम्मू में सीमा की इस तरफ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाने के लिए भी पूरा सहयोग भारत सरकार ने दिया. 4,000 बंकर्स का निर्माण का काम हुआ है. तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य में स्थिति को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम राज्य सरकार ने मांगी है वो सब देने के लिए हमेशा तत्पर रही. पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं. हम इनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही, ऐसा ही लगता है. और दूसरी तरफ जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है. जितने मंत्रालय हमारे पास थे उनमें फिर भी हमारे मंत्री कोशिश करके कुछ विकास के काम कर सकते थे, पर पूरी सरकार तो बीजेपी का नहीं है, उसके चलते कई विभागों में काम की दृष्टि से काफी समस्याएं और एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की भावना जम्मू और लद्दाख की जनता महसूस कर रही है.
ये सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर 3 साल सरकार चलाने के बाद आज हम इस मत के बने हैं कि व्यापक देश हित में, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड और अविभाज्य अंग है, उस कमिटमेंट को हम ध्यान में रखते हुए, देश की सॉवरेंटी, देश की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, कश्मीर में जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, बेसिकली कीपिंग इन माइंड द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, in order to bring control over the situation prevailing in the state, we have decided that it is time the reins of power in the state be handed over to the governor, rajya mein governor ka shasan laaye aur sthiti ko sudharne ka prayas ho. और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे. इतना विषय ध्यान में रखकर हमने आज ये निर्णय लिया है. आपके सामने एक प्रश्न हो सकता है कि आपने तो अभी अभी एक महीने का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का भी घोषणा की थी. हमने एक आशा के साथ कि रमजान माह में जो मुस्लिम समाज के लिए एक पवित्र माह होता है, पवित्र महीना होता है, उस समय घाटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के माध्यम से शांति बहाल करें और उसमें आम जनता को एक तसल्ली मिले, इस उद्देश्य से हमारी तरफ से हमने ऑपरेशंस को रोका था. हमारी अपेक्षा थी कि हमारे इस कदम का एक अच्छा रेस्पॉन्स आतंकवादियों की ओर से भी और वहां जो सेपरेटिस्ट है, हुर्रियत वगैरह, उनके तरफ से भी आएगी. हमारी मजबूरी नहीं थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, पर हमारा बड़ा दिल था, हमारा गुडविल जेस्चर था. पर हमारा अनुभव यह है कि इस एक महीने के दौरान भी कोई अपेक्षित प्रतिसाद उधर टेररिस्ट की तरफ से नहीं आया और सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो भी है वहां, हुर्रियत समेत बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, वे भी इस अवसर को अपने अनुकूल फायदा के लिए लेने का प्रयास नहीं किया. इसलिए अब यह भी होम मिनिस्ट्री ने तय किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो रमजान माह के लिए अनाउंस किया गया है वह कार्यकाल भी समाप्त हो गया. तो भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं. अब समय आया है कि इस सरकार का के अंदर से भाजपा अपने आप को विथड्रॉ करे. तो थोड़ी ही देर पहले हमने हमारी तरफ से जो गतिविधि करना है वो किया है. मेरे साथ जो राज्य के उप मुख्यमंत्री जी है उनसे आग्रह करूंगा कि सेंट्रल पार्टी का इस निर्णय को अमल करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो उसकी जानकारी आपको दे दे. बहुत बहुत धन्यवाद. केंद्र के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वागत करती है. देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया जो अपने आप रहे, हमने राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है भेज दिया है. हमारे मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री महबूबा जी को रेजिग्नेशन दे दिया है. इसी के साथ ही आज से हम जम्मू कश्मीर सरकार से, गठबंधन से बाहर आ गए हैं. बाकी केंद्र के निर्णय का हम
सभी की तरफ से स्वागत है। मित्रों कुछ आप उसको देख पाते हैं। एक मिनट करके लेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर चेंज किया, आप लोगों को उस समय स्पष्टता नहीं थी कि सिचुएशन खराब हो गया, मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी समय हट जाते, स्पीकर आपने नया बनाया, नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उस समय और अब के बीच में ऐसा क्या होगा कि आपके हृदय परिवर्तित हो? हमने एक स्वाभाविक प्रक्रिया में 3 साल पूरा होने के बाद मंत्रिपरिषद में कुछ फेरबदल जरूर किया है। उस समय भी आज तक भी हमारी अपेक्षा थी कि साथ मिलकर हम पूरे कार्यकाल तक सरकार चला पाएंगे, पर जैसा मैंने कहा जो परिस्थिति में विकटता आ रही है उसके चलते इस सरकार में कंटिन्यू करना हमारे लिए टेनेबल नहीं है, इसलिए आज ये निर्णय लिया है। मारिया सकील, नो व्हाई नाउ यू कैन आस्क एनी डे, व्हेन एवर वी डू इट यू कैन से व्हाई नाउ, आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाई नाउ, वी हैव टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन द स्टेट, नंबर वन द सिक्योरिटी सिनेरियो इन द वैली, नंबर टू ग्रोइंग सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ द स्टेट, कीपिंग दीज टू सिचुएशंस इन माइंड एंड टेकिंग फुल स्टॉक ऑफ द सिचुएशन।